देखिए सारे बच्चे जो है ये हॉस्टल के अंडरग्राउंड माइनस टू फ्लोर में है, क्योंकि अभी ज़्यादा बहुत सिचुएशन ख़राब है, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए ये सारे बच्चे सब है। ये सब जगह बच्चे स्टूडेंट ही हैं जो भी है। क्या कर रहा है तू यार? अरे नो प्रॉब्लम। ये देखिए जिधर भी जा रहे हैं बच्चे ही बच्चे हैं पूरे। अतीक होगा कहीं ना कहीं बैठा हुआ, इधर ही होगा। बारिश सारे यूक्रेन में इंडियन बच्चे हैं सारे जितने भी बैठे हुए हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है। पूरा तो नहीं कर सकता हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत बड़ी है तो हम जा नहीं सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बच्चे आ ही रहे हैं, तो इसलिए हम नहीं ले सकते हैं। हेलो, मेरा नाम शुभांगी सिंह है, मैं नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की 5th कोर्स की स्टूडेंट हूँ। इस टाइम मैं शेल्टर लेने के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रही हूँ। यहाँ पे जब भी रेड जोन डेंजर होता है तो यहाँ पे सायरन बजने लगते हैं, तब हमें तुरंत ही बंकर्स में भागना पड़ता है। प्लीज़ हमें यहाँ पे जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए। लोगों बताया जा रहा है 2-3 दिन में मुला, जब जहाज ज्यादा भेजेंगे तभी तो आ पाएंगे। इस तरीके से एक लग जाएगा 18,000 बच्चे आने में, एक महीने लगेगा। आप बता रहे हैं 570 बच्चे हैं आपकी? 570 बच्चे आए। आपकी बेटी का नाम लिस्ट में नहीं? अभी नहीं। बातचीत कैसे चल रही है, उनको कैसे लाया जाएगा, कैसे भेजेंगे, या MST से या कहीं आपकी कोई बातचीत हुई है? हाँ, वहाँ बात हो रही है बेटी लोगों से, तो वो उन लोग बोल रहे हैं कल से परसों बीच में निकालेंगे आप सब। रूसिया के जो है युद्ध चल रहे हैं, पता चला कि आपकी बेटी वहाँ पढ़ाई कर रही, क्या है पूरा जो मौके पर युद्ध हो रहा है, बच्चे लोगों से बात हो रही, बैंकर में इस समय रखे हुए हैं, खाना पानी मिल रहा है। बेटी से आपकी बात हुई तो क्या वहाँ के हालात क्या बताए, जो है क्या प्रशासन वहाँ क्या कर रहा है, जो है यहाँ पे जो है लाने के लिए क्या व्यवस्थाएं वहाँ प्रशासन क्या आश्वासन दिया हुआ है? वहाँ MJC वाले जो है बोले हैं कल से परसों तक, कल से परसों तक बोले हैं। बेटी आपकी वहाँ क्या कर रही है, क्या नाम है उसका? महिमा सिंह नाम है, MBBS कर रही है, 4th साल है। तो आपकी अभी तक कितनी बार बात हो चुकी है? दिन भर में 4-5 बार तो बातें हो रही हैं। मतलब हालात सामान्य है कि जो अभी भी युद्ध नहीं, युद्ध हो रहा है। हुई थी और क्या सिचुएशन बता रही वहाँ पे? वो यूक्रेन में कीव एक स्थान है, कीव राजधानी है, वहीं के गूगल एक कॉलेज है, उसी में स्टूडेंट है, और वो बात तो हमेशा हो रही है, 2-2 घंटे कर रहे हैं हम लोग, और लेकिन बच्चे बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं, उनके पास जो भी राशन पानी था, खाने पीने का सामान कम हो रहा है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से यही हम लोग कहेंगे कि जल्दी जल्दी वापस कर भेजा जाए बच्चों को। अच्छा, कब बात हुई थी आपकी इससे? आज भी बात हुई है, कल भी बात हुई थी, रोज़ होती है, लेकिन जब फायरिंग और वो दबते हैं मिसाइल वगैरह तो सब डरते हैं बहुत, तो बहुत से बच्चे वहाँ पर पड़े हुए, करीब 400-500 बच्चे हैं वहाँ। तो जिला प्रशासन का बताया